हेलो एवरीवन, विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं मनमोहन जोशी आपके लिए आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, अबेटमेंट। अबेटमेंट के लिए हिंदी में हमारे पास शब्द है दुष्प्रेरण। अबेटमेंट एक ऑफेंस है और आईपीसी में पहला ऑफेंस यही स्टार्ट होता है अबेटमेंट। बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊँ, फिर हम सेक्शंस में चलेंगे। चैप्टर 5 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की अध्याय 5 में इसके बारे में प्रावधान है। सेक्शन 107 से 120, धारा 107 से लेकर 120 तक की धाराएं दुष्प्रेरण और उसके बारे में प्रावधान करती हैं। यह अबेटमेंट क्या है, कैसे किया जाएगा, पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो इसके बारे में प्रावधान आईपीसी की चैप्टर 5 में हमें मिलता है। आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे जो मेल आईडी आपको दिखाई पड़ रही है adv.manmohanjoshi@gmail.com, इस पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक कमेंट और क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अबेटमेंट। दो तरह से आप किसी को प्रेरित कर सकते हो। एक होता है पॉजिटिव एक्ट के लिए, इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है मोटिवेशन। किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है, या अभिप्रेरण इसे हम कहते हैं, अभिप्रेरणा देना, मोटिवेट करना। क्या किसी को गलत काम के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। और प्रेरित की जगह वहां शब्द आता है दुष्प्रेरित करना, आम बोलचाल में हम इसे कहते हैं उकसाना। भारतीय दंड संहिता में कई सारे अपराध हैं, अपराध की कई कोटियां हैं। जैसे सबसे पहले अपराध के लिए आवश्यक जो चरण हैं, इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं, वहां सबसे पहले आता है ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य चाहिए। क्योंकि आईपीसी ये कहती है कि अपराध मनुष्य के द्वारा किया जाएगा और सजा मनुष्य को ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पाले हुए कुत्ते ने, डॉगी ने किसी को काट लिया, तो क्या उस कुत्ते को सजा मिलेगी? आंसर है नहीं। सजा किसे मिलेगी? कुत्ते के मालिक को, द ओनर ऑफ द डॉग, जिसको पता है कि उसका कुत्ता फेरोसियस है, हिंसक है, और जिसने उसको कंट्रोल में नहीं रखा। आईपीसी में सेक्शन 289 है जहां इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो सबसे पहले चाहिए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य। फिर दूसरे नंबर पे चाहिए उसका एक, जिसे हम कहते हैं आशय, आशय इंटेंशन एक वर्ड हमारे पास में है, और वर्ड है दुराशय, क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड। एक मनुष्य होगा, मनुष्य एक क्रिमिनल इंटेंशन को धारण करेगा, कंसीव करेगा कि उसको कोई कार्य करना है जो आपराधिक है। और जब इस क्रिमिनल इंटेंशन को करने का प्रयत्न किया जाएगा, तीसरे स्टेज में आता है प्रयत्न, और प्रयत्न जब पूरा हो जाए तो चौथा स्टेज होता है अपराध स्वयं। तो चार अलग अलग चरण हैं। सबसे पहले आता है मनुष्य, मनुष्य धारण करेगा क्रिमिनल इंटेंशन को, फिर वो करेगा प्रयत्न जिससे किसी को क्षति पहुंचेगी, और क्षति ही अपराध है। तो इस बीच में एक चीज़ आता है जिसे हम इम्पॉर्टेंटली कहते हैं अबेटमेंट। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता लेकिन अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है, तो दो लोग होते हैं, एक है अबेटर जिसे हम कहते हैं दुष्प्रेरक, और दूसरा होता है अबेटी जिसे हम कहते हैं दुष्प्रेरिती। तो दुष्प्रेरक दुष्प्रेरिती को उकसाता है, ऐसा समझें, एक है उकसाने वाला और एक है उकसने वाला। तो जो उकसाता है ये है अपराधी, क्योंकि ये अपराध कर रहा है उकसाने का, अबेटमेंट। और दूसरा जो उकसावे में आकर कोई कार्य कर रहा है वह है वास्तविक अपराधी। इन दोनों ही के बारे में बात की जाती है चैप्टर 5 आईपीसी में। एक महत्वपूर्ण बात और, इससे पहले कि हम सेक्शंस में चलें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीसी में इनकोएट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध की कोटी में आने वाला एक अपराध है जिसे हम कहते हैं दुष्प्रेरण। अपूर्ण इसीलिए, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं एक, कि ए ने बी को उकसाया कि जाकर वो सी की हत्या कर दे। ए बी को उकसाता है कि जाकर वह सी की हत्या कर दे। समझिए, बी ने कोई काम नहीं किया, बी कहता है, मना कर देता है बी कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, आई एम नॉट एन ऑफेंडर, किसी और को जाके समझाओ, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। ही रिफ्यूजेस टू डू द एक्ट। क्या कोई अपराध हुआ? प्रश्न रिपीट करता हूं, ए ने बी को उकसाया कि बी जाकर सी की हत्या कर दे, बी ऐसा करने से मना कर देता है, क्या कोई अपराध हुआ? शायद आपको लग रहा होगा कि कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अपराध हो चुका है, और इस अपराध का नाम है दुष्प्रेरण, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना। इसको भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पीनल कोड 1860 में दंडनीय बनाया गया है। क्यों बनाया गया, उसके पीछे का लॉजिक बता दूं कि अभी अगर इसने रिफ्यूज कर दिया अपराध करने के लिए, लेकिन जो उकसाने वाला है, अबेटर है, वो बाहर ही घूम रहा है। इसने मना कर दिया, वो किसी और को ढूंढेगा, वो किसी और को ढूंढेगा, तीसरे को ढूंढेगा, चौथे को ढूंढेगा, और तब तक लोगों को उकसाता रहेगा जब तक कि अपराध ना हो जाए।
इसका बाहर घूमना खतरनाक है। शायद इसीलिए फर्स्ट लॉ कमीशन ने जब आईपीसी फॉर्म कर रही थी ये सोचा होगा कि इस कार्य को अपराध बनाया जाना चाहिए। इसे अपूर्ण अपराध या इनकोएट ऑफेंस कहा जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि दुष्प्रेरण जो है ये आपराधिक मनस्थिति को पैदा करने के लिए एक आवश्यक तत्व भी है और कई बार दुष्प्रेरकों अबेटर्स के कारण ही अपराध होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं आपको कि ए और बी इन दोनों के बीच में कोई बहस चल रही है। आपने देखा भी होगा बीच चौराहे पर दो लोगों की गाड़ी टकरा गई। ए ने बी से कुछ कहा, बी ए को रिप्लाई करता है, शायद इनका झगड़ा यहां खत्म हो जाता, शायद ये झगड़ा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दर्शक जमा हो जाते हैं वहां पर में और ए और बी ये सोच रहे हैं कि इन लोगों की नजरों में जिनको वो जानते ही नहीं है कहीं वो हारा हुआ ना महसूस करें और ये जो दर्शक हैं स्पेक्टेटर हैं इनके कारण ही ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है। शायद हाथापाई की नौबत आ जाती है या वो हत्या तक पहुंच जाता है। ये लोग हैं अबेटर। एक मामले में बारिंद्र कुमार घोष के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोग भी दायित्वाधीन है, उनका भी दायित्व तो होता है, दे आर ऑल्सो लायबल, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप अपराध के निवारण में साथी नहीं हैं तो आप भी अपराधी हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपराध के निवारण में सहयोगी नहीं हैं तो आप भी अपराधी हैं। ए और बी आपस में उनका झगड़ा चल रहा है, किसी बात पर बहस चल रही है, सी वहां पर आकर कहता है कि देख क्या रहा है, मार इसको। ये जो लैंग्वेज है ये अपराध का जन्मदाता है और ये जो सी आ गया वहां पर में, ये जो शब्द कह रहा है, इसे ही हम अबेटमेंट कहते हैं, जो धारा 107 आईपीसी से शुरू होती है। आइए देखें सेक्शन 107 क्या कहता है। चैप्टर 5 इंडियन पिनल कोड इज रिलेटेड टू ऑफ अबेटमेंट, दुष्प्रेरण के बारे में। सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक इसके बारे में प्रावधान है। सेक्शन 107 रीड सेज, अबेटमेंट ऑफ थिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ द थिंग हु इंस्टिगेट्स engages in any conspiracy or intentionally aids। धारा 107 कहती है कि वो आदमी दुष्प्रेरण करता है कहा जाता है जो इन तीन में से कोई एक काम करता है। नंबर वन, instigates, इसका मतलब है उकसाना। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ए और बी लड़ रहे थे, सी ने आकर कहा कि तू देख क्या रहा है, मार, ये शब्द है उकसाना, instigate करना। दूसरा हमने समझा conspiracy, षड्यंत्र करना। सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन 5 का जो इलस्ट्रेशन आपके पास में है वो कहता है कि ए ने बी को उकसाया कि वो सी को उकसाए, कि सी डी को उकसाए, कि डी ई के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करे। ये षड्यंत्र करना है। अच्छा, ए ये सब क्यों कर रहा है? समझिए, जब डी ई के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करेगा और मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डी तक पहुंच भी जाती है तो ए तो अपराधी है, ए तक शायद कोई ना पहुंच पाए, डी सी तक पहुंच सकता है, सी बी तक पहुंच सकता है, फिर भी ए बहुत दूर है, तो जानबूझकर ऐसा किया जाता है। और लॉ ये कहती है कि डी ने जो ई के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है, अपराध किया है, उसके लिए ए बराबर का जिम्मेदार है क्योंकि उसने षड्यंत्र किया है, कॉन्स्पिरेसी की है। तो पहला जो लेवल था वो था उकसाना, दूसरा षड्यंत्र करना और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है वो है सहायता करना, हु एड्स, ए आई डी एस, सहायता करना। जैसे ए बी से ये कहता है कि यार मैं सी को मारने जा रहा हूं और ए ये कहता है कि एक काम कर मेरी बाइक साथ में ले जा, ही इज एडिंग, वो सहायता कर रहा है। या अपराधी को छुपाना, ए ये कहता है एक काम कर तू अपराध करके मेरे ही घर पे आना, यहां कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है और इसने एक अपराध कर दिया है जिसे हम कह रहे हैं अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। देखिए, क्वेश्चन साधारण तौर पर पूछा जाता है कि यदि अपराध का दुष्प्रेरण भारत में हुआ हो, अबेटमेंट इज डन इन इंडिया, और ऑफेंस भारत के बाहर हो, ऑफेंस इज डन आउटसाइड इंडिया, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो सेक्शन 108A आईपीसी धारा 108A में इसके बारे में प्रावधान है कि अगर कोई अपराध का दुष्प्रेरण भारत में किया जाता है, अबेटमेंट भारत में होता है, और अपराध भारत के बाहर किया जाता है तो भी भारत में वह अपराध दंड के अधीन होगा। देखें सेक्शन 108A क्या कहता है। अबेटमेंट इन इंडिया एंड ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, इफ एनी पर्सन कमिट्स एनी ऑफेंस इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन श्रीलंका टू कमिट अ मर्डर इन श्रीलंका, ए विल बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर। इस इलस्ट्रेशन को मैंने चेंज किया है, अगर आप अपनी आईपीसी में देखें तो लिखा है ए बी को अबेट करता है और ऑफेंस गोवा में हो रहा है जो कि विदेश में है, तो गोवा अब देश में आ गया है। 1961 से गोवा हमारे देश का भाग है और क्योंकि आईपीसी 1860 है इसमें अमेंडमेंट संशोधन होने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि जल्दी ही पार्लियामेंट इसमें संशोधन करेगी और इस इलस्ट्रेशन को चेंज किया जाएगा। ये समझाने के लिए दृष्टांत है कि अपराध यदि बाहर कहीं किया गया है और उसका दुष्प्रेरण देश में हुआ है तो भी वो अपराध अपराध है।
सेक्शन 109 में चलते हैं, इस अबेटमेंट का सजा क्या होगा, इस अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो सेक्शन 109 में चलना होगा। सेक्शन 109 ये कहता है कि अबेटर यानी दुष्प्रेरक भी उसी दंड का भागी होगा जो अपराध के लिए प्रावधानित है। मतलब दुष्प्रेरण करना अपराध को करने के समान ही है, दोनों को बराबर सजा मिलेगी, सेक्शन 109 ये कहता है। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, दुष्प्रेरण के लिए जो दंड है उसको इस चार्ट से समझते हैं। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यदि अपराध ऐसा है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है तो सेक्शन 115 में इसकी सजा मिलेगी। ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर अपराध केवल कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए सजा सेक्शन 116 में मिलेगी। सेक्शन 115 ये कहता है कि इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता है, कौन सा अपराध, वो जिसमें डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान है, तो 7 साल तक का कारावास हो सकता है सिर्फ दुष्प्रेरण के लिए, क्योंकि अपराध नहीं हुआ। इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, यदि अपराध के लिए कोई कार्य किया जाता है जिससे कोई चोट पहुंचती है, स्लाइट हार्म, कोई क्षति पहुंचती है, तो 14 वर्ष का कारावास या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कारावास हो सकता है 14 वर्ष तक के लिए। यदि अपराध नहीं किया जाता तो 7 वर्ष का कारावास होता है। यदि अपराध किया जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 109 में हम जाएंगे, अपराधी को सजा मिलेगी वो जो अपराध किया गया है उसके लिए, और दुष्प्रेरण करने वाले अबेटर को सजा मिलेगी वो जो अपराध के लिए प्रावधानित है। देखें सेक्शन 116 में ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यदि अपराध ऐसा है जो सिर्फ कारावास से दंडनीय है, और पहला पॉइंट इसका यह है कि इफ ऑफेंस नॉट बीन कमिटेड, अपराध नहीं किया जाता है, और लिखता है फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस और फाइन और बोथ, तो सजा क्या हो सकती है, वो जो कारावास से दंडनीय अपराध था उसमें जो अधिकतम कारावास है उसका 1/4 1/4 की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इफ अबेटर ऑफ अबेटेड ऑफेंस बी अ पब्लिक सर्वेंट, यदि दुष्प्रेरक ऐसा है जो एक लोक सेवक है, हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, जिसका कार्य ही अपराध को रोकना है, तो उसको सजा क्या मिलेगी, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस, सजा उसको ऐसी मिलेगी जो उस अपराध के आधे तक हो सकती है, या जुर्माना और फाइन और बोथ, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे देखते हैं कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। इस चैप्टर में किसी अपराध को करने के षड्यंत्र की परिकल्पना को छुपाना, कंसीलिंग द डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। सेक्शन 119 कहता है इफ पब्लिक सर्वेंट कंसील्स डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, यदि पब्लिक सर्वेंट ही अपराध को करने की परिकल्पना को छुपाता है, और ऑफेंस विच इज ऐसा अपराध है विच इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, जहां उसको अपराध को रोकना ही उसका काम है, तो सेक्शन 119 कहती है यदि अपराध कर दिया जाता है, ऑफेंस भी कमिटेड, और अपराध ऐसा है विच इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यदि ऐसा अपराध ऐसा है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है, तो कहता है कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा, इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। यदि अपराध ऐसा है जो कर लिया गया है जिसमें पनिशेबल विद अदर देन प्रीवियस पनिशमेंट, जिसमें कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड नहीं है बल्कि इनके अलावा कोई और दंड है, तो कहता है कि जितना भी अधिकतम कारावास है उसका आधे से दंडित किया जाएगा, 1/2 द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यदि 119 में हम उस अपराध की बात कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना को छुपाने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपराध नहीं किया जाता, ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो सजा क्या होगी, जिस अपराध के लिए परिकल्पना की गई थी, षड्यंत्र किया गया था, जिसको छुपाया गया है, उसका जो अधिकतम कारावास है उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा यदि अपराध नहीं किया जाता। यदि अपराध किया जाता है तो पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सजा कितनी होगी। देखें अदर देन पब्लिक सर्वेंट कंसील्स डिजाइन, यदि अपराध की परिकल्पना को छुपाने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट से अन्यथा कोई और है, लोक सेवक नहीं है, तो धारा 118-120 में इसके बारे में प्रावधान है, 118 एंड 120। देखें सेक्शन 118 ये क्या कहता है। सेक्शन 118 सेज दैट इफ एनी पर्सन कंसील्स डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के करने के षड्यंत्र को या परिकल्पना को छुपाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसमें दो पार्ट निकल कर आते हैं। पहला, इफ ऑफेंस भी कमिटेड, यदि अपराध कर दिया जाता है तो अपराध करने वाले को तो वो सजा मिलेगी जिसका प्रावधान है, लेकिन उस अपराध की जानकारी जिसको थी, जिसके पास उस परिकल्पना के बारे में जानकारी थी, उस डिज़ाइन के बारे में जानकारी थी, और जिसने उसको छिपाया, उसको सजा मिलेगी 7 वर्षों की,
लिखा है विच में एक्सटेंड टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर इधर डिस्क्रिप्शन, किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा, वो सादा, सिंपल और रिग्रेस। इसमें दूसरा पार्ट आता है इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता है। कौन सा वाला अपराध? जो 118 में है जिसमें डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रोविजन है, तो सजा जो हो सकेगी वो 3 साल की हो सकेगी। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने उस परिकल्पना को, उस डिजाइन, उस षड्यंत्र को छिपाया है अपराध नहीं करने पर भी। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी अपराध की जानकारी है जो की जाने वाली है या उसके षड्यंत्र के बारे में, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इफ एनी पर्सन कंसील्स डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यदि व्यक्ति अपराध जो केवल कारावास से दंडनीय है कि परिकल्पना को, कि डिजाइन को छुपाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं देता, तो इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 120 धारा 120 में है। इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, यदि अपराध कर दिया जाता है, एंड इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता। यदि अपराध कर दिया जाता है तो जिसको डिजाइन के बारे में जानकारी थी, जिसने कंसीलमेंट किया, छिपाया है उस जानकारी को, उसको अधिकतम 1/4 के कारावास से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए प्रावधानित है। फिर से रिपीट करूं, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में जानकारी है, अपराध ऐसा है जो केवल कारावास से दंडनीय है, धारा 120 ये कहती है कि अपराध कर दिया जाए, तो जिस अपराध को किया गया है उसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट था उसके 1/4 से पनिश किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को जिसने जानकारी को छिपाया है। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो जिसने जानकारी छिपाई है ऐसे अपराध की, उसको अधिकतम कारावास उस अपराध के लिए जो प्रावधानित है, जो लॉ में प्रोवाइडेड है, उसके 1/8 भाग से दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। चैप्टर 5 में जब हम अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन 114 से, और सेक्शन 114 समझाने के पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशन बी में। देखें सेक्शन 299 का इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है। सेक्शन 299 इलस्ट्रेशन बी रीड सेज, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश, B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. इस इलस्ट्रेशन में A नाम का आदमी है एक, जो कि नहीं पता जिसे कि झाड़ी के पीछे कौन है, और B नाम का आदमी उसे इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, किस बात के लिए, कि वो गोली चलाए और Z जो झाड़ियों के पीछे है उसे वो गोली मार दे। एक आदमी उकसा रहा है, एक काम कर रहा है। लॉ ये कहता है कि जो उकसा रहा है उसने अपराध किया है, तो जो उकसा रहा है उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, ये सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशन बी में नहीं लिखा। वो कहता है जो उकसा रहा है उसने अपराध किया है, और इसका आंसर निकल कर आता है सेक्शन 114 से। सेक्शन 114 ये कहता है यदि अबेटर, जो उकसाने वाला, दुष्प्रेरित करने वाला है, वो यदि अपराध करने की जगह पर खड़ा है तो माना जाएगा कि उसने अपराध स्वयं ने किया है। देखें सेक्शन 114 क्या कहता है। Presence of abettor when offence is committed, section 114 IPC. This section states that whenever any person who, if abetment, would be liable to be punished as an abettor is present, when the act or the offence is being committed in consequence of the abetment and for which he would be punishable, the law will resume that the abettor himself has committed such act or offence. An act or offence which has been abetted by an abettor may be committed either in presence of the abettor or in his absence. तो ये था सब कुछ abetment के बारे में। कुछ important case laws भी हैं जो इस abetment के अपराध पर chapter 5 पर प्रकाश डालते हैं। आइए कुछ case laws समझते हैं आगे वाली slides में, और फिर ये topic अपने अंजाम तक पहुँचेगा। 1894 का एक case है, शिवदयाल मल का ये case मेरे पास में है। इस case में कहा गया कि instigation may be direct or it may be by later. इंस्टिगेशन सीधे प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या पत्रों द्वारा हो सकता है। वेयर ए राइट्स अ लेटर टू बी इंस्टिगेटिंग देयर बाय टू मर्डर सी, जहां ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को पत्र लिखता है कि वो सी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दे, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीट, दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाता है एज सून एज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बिकम नोन टू बी, जैसे ही उस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो बी के ज्ञान में आती हैं। एक केस है क्विन वर्सेस मोहित का, क्विन बनाम मोहित का एक मामला है। इन दिस केस अ वुमन प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू बिकम सती इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स,
कुछ लोगों ने एक महिला को सती होने के लिए उकसाया और वो सती होने के लिए तैयार हो गई. दे फॉलोड हर अप टू द पायर एंड स्टूड बाई हर स्टेप सन्स क्राइंग राम राम. वो उसके सौतेले बेटे के पास खड़े हो गए और राम 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 चिल्लाने लगे. वन ऑफ द अक्यूज ऑल्सो एडमिटेड दैट ही टोल्ड द वुमन टू से राम राम. उनमें से एक ने कहा कि उसने महिला को भी राम राम कहने के लिए कहा. इट वॉज हेल्ड दैट अवधारित किया गया कि ऑल दोज दैट फॉलोड हर टू द पायर जो लोग उसे चिता तक ले गए एंड स्टूड बाई हर क्राइंग राम राम और उसके साथ खड़े होकर राम राम का जाप करने लगे वुड बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट. वो दुष्प्रेरक के दोषी हैं एज दे एक्टिवली अबेटेड हर क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस महिला को सती होने के लिए उकसाया. एक केस है पंडाला वेंकट स्वामी का. ये 1881 का केस है 1881 का. इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन प्रिपेयर्स इन कंजंक्शन विद अदर्स अ कॉपी ऑफ एन इंटेंडेड फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड बायज अ स्टैम्प्ड पेपर फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग सच फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एज टू अ फैक्ट टू बी इंसर्टेड इन सच फॉल्स डॉक्यूमेंट ही वुड बी गिल्टी फॉर अबेटमेंट ऑफ फॉर्जरी बिकॉज दे आर द एक्ट्स डन टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.